अस्सलाम वालेकुम, आज हम काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का विजिट करने वाले हैं। अभी तक हम बस वेट कर रहे हैं निकलने का, हवा में उड़ रहे हैं। बजाय तो ये कुछ भी नहीं है, मगर ये कैंसर एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी इसकी होती है। लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इस मर्ज को कैसे रोकना है। आप लोग रोकिए। 10 बच्चों के पास पंप नहीं था, आज मैं 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पंप दे चुका हूँ। ब्लड मिला आज, माशाल्लाह लाइफ गुजार। आज मेरे थैलेसीमिया में जाके बहुत सारे बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, नॉर्मल लड़के लड़कियों से और इनके बच्चे, बड़ी बात है। वी हैड अ सेशन विद डॉक्टर इकबाल। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक बात उन्होंने सीखी है कि हर किसी को थैलेसीमिया टेस्ट कराना चाहिए और चेक करें इफ देयर थैलेसीमिया माइनर और नॉट, बिकॉज इट कैन सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड इट इज़ वेरी वेरी। उन्होंने मैं इनके घर जाता था, इनको भी पंप की ज़रूरत थी, तो मैंने इनको पंप दिया था। ये काशिफ के इंतकाल पे चंद घंटे मिले। क्या करती है वो डॉक्टर आसमान बताए? समर कैंप अरेंज करवाया था और हमारे से बहुत एक्टिविटीज़ करवाती हैं हमें। मैंने कहा डायरेक्टर से, मैंने कहा प्रोग्राम रख लें, सारे स्टूडेंट भी जमा करें सुबह के टाइम में, जिस टाइम में हम 150 स्टूडेंट को पारी करते हैं। दो मशीन लाएंगे तो आप 2 घंटे में 200 स्टूडेंट पारी करते हैं। सुंदर, कितनी सुंदर है, बच्चों की खिदमत करके कितनी सुंदर है। ये सारे उन बच्चों की तस्वीरें हैं जो यहीं से ब्लड लगवाते रहे हैं, यहीं के पेशेंट हैं। ये सारी पिक्चर्स हमें एक स्टोरी बता रही हैं, वो ये स्टोरी बता रही है कि ये बच्चे कामयाब हैं, ये बच्चे ज़िंदगी जी रहे हैं, ये बच्चे वो सब कर रहे हैं जो हम सब कर रहे हैं। एक मैंने ऊपर ग्रेटिट्यूड वॉल पढ़ी इन बच्चों की, तो उसमें एक लड़की का था कि मुझे शाहिद अफरीदी के साथ सेल्फी लेनी है। तो इनकी ख्वाहिशें भी बिल्कुल वही हमारी जैसी ख्वाहिशें हैं। तो वी आर सपोज टू कम हेयर, वी आर सपोज टू हेल्प देम, वी आर सपोज टू डोनेट ब्लड, एंड जिस तरह हम जो चीज़ डोनेट कर सकते हैं वो इस वक्त यहाँ पर ज़रूरत है, कपड़े से लेके, किताबों से लेके, जितनी एसेसरीज, जितनी खिलौने, जो सब आप कर सकते हैं वो यहाँ आके लाजमी करें, एक बार विजिट करें एक बार। वो बड़ी ज़बरदस्त हाथ से उंगलियों से उन्होंने पेंटिंग की हुई थी। ये डॉक्टर आसमा की एक्टिविटीज़ होती रहती है। ये डॉक्टर आसमा है, ये हमारे हाफिज़ कुरान हाफिज़ हसनैन, इन्होंने A1 पोजिशन ली थी मेट्रिक के अंदर। कुरान अभी तर्जुमे के साथ बाकायदा ये बच्चा कुरान पढ़ रहे थे। कितने काबिल हैं आप अंदाज़ा करें। ये बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं और इनकी सुकून की नींद जो है ये इसी से होती है। जिस तरह है चलो मिलवा दूँ काशिफ की अम्मा से। अच्छा कर रहे डॉक्टर भी सिंधिया टेलीफी मेजर की बच्ची है, इसके बाद कहीं इसको मुंबई से यहाँ से कुरान है, ये तो आते रहते हैं ग्राउंड में वगैरह, ये जावेद मेहदाद वगैरह ये सब चेक कर।
लगाते रहते हैं। अच्छा जी, ये काशिफ की अम्मा है। सलाम अलैकुम। और ये भी सुबह से आ जाती है मेरे साथ, हम दोनों में अभी भी आ जाते हैं। आज 25 साल हो गए काशिफ के। फिर उसी मेजर का बच्चा ही है, पाकिस्तान का नहीं दुनिया की मिसाल है। 38 ईयर है इसकी, कहते थे ना 8-10 साल के बाद चलते नहीं है। तीन बेटे हैं इसके, दो बेटे हैं इसके माशाल्लाह। इसकी बीवी, इसका घर सब, और पूरी घरों से ज़्यादा काम ये करता है। और मोशा की लोड होती है, सामान की सप्लाई देता है। देता हम कोई कह दे देते हैं कि कोई चाहिए मुझे, वो जगह वो खुद कर सकते। फिर से भी महीने में 4 दफ़ा ब्लड लगता है, 38 साल हो गए ब्लड लगाते लगाते। तो दुनिया का है ना बहादुर बच्चा, ये है बहादुर बच्चे। बीवी बच्चे सब हैं इसके, यहाँ भी वर्क कर रहा होता है। ये बच्चे इधर आते हैं ना, वो घर समझ के आते हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं लगता। वो ये सोचते कि हम तो गाड़ी दिख रहा होगा तो बच्चे कैसे बैठे हैं, कि हम लोग आते हैं पिकनिक बन रही होती है हमारी, कैसे होती है मतलब क्या है, बच्चे से डर खौफ नहीं है। परसों एक लड़की की शादी हुई है माशाल्लाह, तो हम काशिफ को तो सुमेरा नाम की है, वो दो चीजें चाहता था ना, वो ऐसे ही चाहता था हॉस्पिटल, जैसे लड़का बच्चा काशिफ लगता, उनको इसी तरह से ट्रीटमेंट देना, उनकी हर बात का ख्याल रखना, उनकी हर दुख तकलीफ कपड़े जो भी इनकी ख्वाहिश है वो सब पूरी करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला आगे तो आज सुबह एक बहुत लाइफ चेंजिंग डे था, मेरे हम थैलेसीमिया के पेशेंट से भी मिले, हम काशिफ इकबाल के वालिद साहब मोहम्मद इकबाल से भी मिले। इकबाल जो थे मोहम्मद इकबाल के बेटे थे, उनकी थैलेसीमिया की वजह से डेथ हुई थी। तो काशिफ इकबाल का ये ख्वाब था कि वो थैलेसीमिया सेंटर एक बड़ा सा पाकिस्तान में खोलें और थैलेसीमिया के जितने भी बच्चे हैं उनको उनकी हेल्प करें, उनका इलाज करें। और वो ख्वाब जो है उनके इंतकाल के बाद उनके वालिद साहब ने पूरा किया। मेन गोल इसके, अगर आप कैपेबल इनफ हैं तो प्लीज़ खून दीजिए, ज़िंदगी बचाइए। क्या नाम है आपका? ओह अच्छा, यहाँ पे कब से आ रहे हो? 13 साल। माय फर्स्ट सेशन था तो काफ़ी हिट किया है, ऑल्सो वेरी वेरी इंफॉर्मेशनल, और पर्सनली बहुत ज़्यादा हिट किया है मुझे। इतने प्यारे लगते हैं, ऐसे करो, ये आप भी करो। आज फार्मर्स क्लब ने फार्मर्स मेंटोर के साथ मिलकर ये बहुत अच्छा विजिट ऑर्गेनाइज किया था, और काफ़ी ज़्यादा सबको, हम सबको अवेयरनेस मिली थैलेसीमिया की। हम थैलेसीमिया के पेशेंट से मिलकर हमें अंदाज़ा हुआ कि नॉर्मल ये बच्चे होते हैं, जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होंगे बिल्कुल वैसे ही होते हैं, और बस इनकी लाइफ में जो एक प्रॉब्लम आ जाती है या एक डिज़ीज़ आ जाती है वो ये आती है कि इनको बार 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 ब्लड चाहिए होता है। और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन इनके ख्याल, इनकी सोच, इनकी ख्वाहिशात बिल्कुल वही नॉर्मल बच्चों वाली हैं, और जो इनकी डिमांड है वो भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों वाली हैं। प्लीज़ जाएँ, ऐसे सेंटर्स को विज़िट करें और उन बच्चों से बातें करें, उन बच्चों की हेल्प करें। ग्रेड ब्लड देखते हैं कहीं लिखा हुआ तो उसको बस ऐसे ही पढ़ के गुजर ही नहीं जाया करें। आप केपेबल इनफ हैं तो प्लीज़ ब्लड को डोनेट करें। हज़ारों और लाखों की अमाउंट में जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और ये काशिफ इकबाल सेंटर को ही देख लें आप, इतना इतना जब ब्लड लग रहा है तो मतलब कितनी ब्लड की ज़रूरत होगी। तो इफ़ आप डोनेट कर सकते हैं तो लाजमी डोनेट करें, और इस डिज़ीज़ को ये ना समझे कि मतलब बस कोई चारा नहीं है, अगर हो गई तो बस हो गई, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ज़रूर मालिक है, लेकिन आप भी हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक पेशेंट दिखाए थे कि वो 36 उनकी एज है, उनके 3 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, तो इनके भी चांसेस होते हैं काफ़ी लंबी ज़िंदगी गुजार लेने के। बस ये होता है कि एक सेहत इनका फैक्टर रह जाता है, लेकिन ये केपेबल इनफ हो जाता है। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों का भी दिल करेगा कि आप उठ जाएँ। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।